Once again, very good evening, dear friends. And today we are going to discuss the fourth point of collection of data का जो प्राइमरी जो सोर्स है, सो उसको हम कैसे कलेक्ट करते हैं डेटा को. तो दिस इज फोर्थ पॉइंट, दैट इज इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनर एंड शेड्यूल. तो क्वेश्चनर बनाकर, मतलब क्वेश्चनर क्या होता है, और शेड्यूल हम बनाते हैं. क्वेश्चनर सेट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं जो कि इनोमिनेटर, जो वेरी टेक्निकली दे आर वेरी साउंड, दे कैन ओनली प्रिपेयर सर क्वेश्चंस, सम सच क्वेश्चंस थ्रू विच वी दे कैन आस्क द रिस्पोंडेंट्स एंड दे कैन गैदर द डिजायर्ड इंफॉर्मेशन फ्रॉम द रिस्पोंडेंट्स. सो इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनर एंड शेड्यूल्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस. अंडर दिस मैथड डेटा आर कलेक्टेड बाय प्रिपेयरिंग अ क्वेश्चनर कीपिंग इन माइंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टडी, कि हमारे पढ़ाई का ऑब्जेक्टिव का स्टडी का क्या है, इसको ध्यान रखते हुए. अ क्वेश्चनर कंसिस्ट ऑफ अ लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस पर्टेनिंग टू द इन्वेस्टिगेशन. देयर आर टू वेज ऑफ कलेक्टिंग डेटा ऑन द बेसिस ऑफ क्वेश्चनर. दीज आर टू वेज ऑफ कलेक्टिंग डेटा ऑन द बेसिस ऑफ क्वेश्चनर. पहला क्या है, मेलिंग मेथड है, दूसरा इन्यूमरेटर्स मेथड. तो इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनर और एंड शेड्यूल्स, पहली बात तो है दिस इस मेथड के अंतर्गत हम एक क्वेश्चनर बना लेते हैं, ठीक है. और उस क्वेश्चनर बनाने के पीछे हमारा ध्येय निश्चित होना चाहिए, और जो ऑब्जेक्टिव मस्ट बी फिक्स्ड, कि हम किस ऑब्जेक्टिव से क्वेश्चनर बनाएं. क्योंकि जब ऑब्जेक्टिव हमारा जो होगा उसके अनुसार क्वेश्चंस की मात्रा, नंबर ऑफ क्वेश्चंस एंड टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैन वेरी. तो हमारा ऑब्जेक्टिव्स को हमको अपने दिमाग में पहले रखना पड़ेगा. और क्वेश्चनर कंसिस्ट ऑफ अ लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस पर्टेनिंग टू द इन्वेस्टिगेशन. द टू वेज ऑफ कलेक्टिंग डेटा ऑन द बेसिस ऑफ क्वेश्चनर, मेलिंग मेथड और इन्यूमरेटर्स मेथड. अब मेलिंग मेथड क्या है, मेलिंग मेथड. इन दिस मेथड अ क्वेश्चनर प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्टडी इज मेल टू द इन्फॉर्मेंट्स. अब इन्फॉर्मेंट्स जो हैं उनको हम जो ऑब्जेक्टिव्स जो हमारा है डेटा को कलेक्ट करने का, उसको ध्यान में रखते हुए क्वेश्चनर बना लेते हैं और उसको हम मेल कर देते हैं. मैंने भी एक बार, मुझे भी एक मेरे दोस्त जो मुंबई से, उन्होंने भेजा था, वो MBA कर रहे थे, तो हमने भी उसका आंसर जो है MCQ क्वेश्चन थे उसका मैंने आंसर दिया था विद द रिक्वेस्ट टू आंसर एंड रिटर्न देम विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम पीरियड. और एक समय बिंदु के अंदर, समय पीरियड के अंदर, टाइम पीरियड के अंदर उसको वापस करना होता है. एंड एश्योरेंस इज गिवन दैट द आंसर्स विल बी कॉन्फिडेंशियल. मतलब ये एश्योरेंस देना पड़ता है, विश्वास लेना पड़ता है इन्फॉर्मेंट्स को, इन्यूमेटर के द्वारा, कि आपकी जो कॉन्फिडेंशियलिटी है उसको मेंटेन किया जाएगा. डेटा जो भी आप देंगे उसको हम दूसरे से शेयर नहीं करेंगे. सच क्वेश्चनर्स जनरली हैव अ प्री पेड पोस्टेज स्टैम्प एफिक्स टू इट. इसमें हम मेल भेज रहे हैं तो उसमें स्टैम्प पेपर भी लगा दे ताकि सामने वाला का एक्सपेंडिचर ना हो, वो इन्फॉर्मेशन देने के बाद अपने को ठगा हुआ महसूस ना करे कि हमारा पैसा भी खर्च हुआ, टाइम वेस्ट हुआ, हमको क्या मिला. तो इस तरह की स्थिति, तो वो उसमें मेल्ड पोस्टेज स्टैम्प लगा होता है. एग्जाम्पल, मेलिंग ए क्वेश्चनर टू गवर्नमेंट एम्प्लॉयज इन एन एरिया टू गेट फीडबैक ऑन देयर वर्किंग कंडीशंस एंड रिलेटेड अफेयर्स. ओके, तो इस तरीके से इसकी सूटेबिलिटी क्या है, उसको उसके बारे में हम विचार कर लेते हैं कि हाउ इट इज सूटेबल, इन विच कंडीशंस इज सूटेबल. दिस मेथड कैन बी अप्लाइड व्हेन एरिया अंडर इन्वेस्टिगेशन इज वेरी वाइड. ओके, तो जो बहुत ज़्यादा बड़ा क्षेत्र हो जहाँ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना हो, तो इसके लिए हम इसको मेथड को यूज कर सकते हैं. इन्फॉर्मेंट्स आर लिटरेट एंड एजुकेटेड. अगर इन्फॉर्मेंट्स लिटरेट और एजुकेटेड नहीं होंगे तो वो डेटा कलेक्ट ही नहीं कर पाएंगे. वेन क्वेश्चनर को अंडरस्टैंड करना, जो इन्यूमरेटर या इन्वेस्टिगेटर ने क्वेश्चनर बनाया उसको समझना और उसको परकुलेट करना, मतलब नीचे वाले जो तबके जिनसे वो क्वेश्चन पूछ रहा है उसके अनुसार लैंग्वेज में बदलाव करना हो, तो वो सब कुछ उसको आना पड़ेगा. वेन ओरिजिनल फर्स्ट हैंड डेटा आर रिक्वायर्ड, तब ये सूटेबल है. वेन इट इज़ कंपल्सरी बाई लॉ टू फिल द क्वेश्चनर. नाउ मेरिट्स क्या है, वॉट आर द मेरिट्स. नाउ विल
स्टडी द मेरिट्स। इकोनॉमिकल होता है ये, वाइड कवरेज, लार्ज वाइड कवरेज होता है, ओरिजिनल एंड रिलायबल होता है, फ्री फ्रॉम बायस। तो हमारे पास चार इसके मेरिट्स हैं, इकोनॉमिकल, वाइड कवरेज, ओरिजिनल एंड रिलायबल, फ्री फ्रॉम बायस। और इकोनॉमिकल, दिस इज़ नॉट एन एक्सपेंसिव मेथड, ठीक है। तो ये इकोनॉमिक कॉरस्पॉन्डेंट के माध्यम से होता है, तो इसलिए उतना एक्सपेंसिव नहीं होता है। एज मेलिंग कॉस्ट इज़ लेस देन दैट ऑफ पर्सनल विजिट। अब पर्सनल विजिट करते तो आपको ज़्यादा कॉस्ट पड़ता, और आपने मेल कर दिया और इन्फॉर्मेशन घर बैठे मिल भी गया, ठीक है। तो ये बहुत ही इकोनॉमिकल हो जाता है। इट इज़ इकोनॉमिकल इन टर्म्स ऑफ टाइम, मनी एंड एफर्ट्स इन्वॉल्व। वाइड कवरेज, लार्ज फील्ड्स कैन बी सुटेड अंडर दिस मैथड। दिस मैथड इज़ कन्वीनियंट वेन इन्फॉर्मेंट्स आर स्प्रेड ओवर अ वास्ट जोग्राफिकल एरिया टू बी इन्वेस्टिगेटेड, ठीक है। सो लार्ज फील्ड्स कैन बी स्टडीड अंडर दिस मैथड। दिस मैथड इज़ कन्वीनियंट वेन इन्फॉर्मेंट्स आर स्प्रेड ओवर अ वास्ट जोग्राफिकल एरिया टू बी इन्वेस्टिगेटेड, ठीक है। बहुत बड़ा एरिया हो तो वो वहाँ पर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना हो तो वहाँ इसका प्रयोग किया जाता है। ओरिजिनल एंड रिलायबल, ये सिंस दिस मैथड इज प्रोवाइड द फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन, इट इज़ ओरिजिनल इन नेचर एंड हेंस रिलायबल, ठीक है। फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट करता है तो इसलिए रिलायबल भी होता है और नेचुरल भी होता है। ओके, फ्री फ्रॉम बायस, दिस मेथड इज फ्री फ्रॉम बायस ऑफ द इन्वेस्टिगेटर एज इन्फॉर्मेशन इज गिवेन बाय इन्फॉर्मेंट्स देमसेल्व्स। इन्फॉर्मेंट्स दे अपने आप से देता है तो इसलिए बायसनेस इसमें नहीं होता है। डायरेक्ट हम इसमें मेल कर दिया और उसमें इन्फॉर्मेशन से मांग लिया। नाउ सम डिमेरिट्स, लैक ऑफ इंटरेस्ट। लैक ऑफ इंटरेस्ट अमंग इन्फॉर्मेंट्स लिमिट्स द यूज ऑफ दिस मैथड एज दे मे फेल टू सेंड बैक टू द क्वेश्चनर और मे सेंड इट इनकम्प्लीट। क्योंकि कभी कभी क्वेश्चनर बहुत बड़े लंबे लंबे होते हैं, तो उसको जब समय मिलेगा तब देगा, और वो कभी कभी वो इन्फॉर्मेशन भरते भरते इतने सारे MCQ होते हैं तो वो बोर होने लगता है। तो इसकी वजह से भी ये है लैक ऑफ इंटरेस्ट। लैक ऑफ इंटरेस्ट अमंग इन्फॉर्मेंट्स लिमिट्स द यूज ऑफ दिस मेथड एज दे मे फेल टू सेंड बैक द क्वेश्चनर और मे सेंड इट इनकम्प्लीट। लिमिटेड यूज, दिस मेथड कैन बी पुट टू यूज ओनली व्हेन इन्फॉर्मेशन आर एजुकेटेड, इन्फॉर्मेंट्स आर एजुकेटेड, सो दे दैट दे रिटर्न द क्वेश्चनर ड्यूली रेड अंडरस्टूड और आंसर्ड। तो इसका लिमिटेड इसलिए होता है कि अगर इन्फॉर्मेंट्स एजुकेटेड हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर इसके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है इसको। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, लैक ऑफ एक्यूरेसी। इन्फॉर्मेशन में मिस इंटरप्रेट्स इन्फॉर्मेंट्स जो है वो दे इन्फॉर्मेंट्स में मिस इंटरप्रेट और मे नॉट अंडरस्टैंड द क्वेश्चंस प्रॉपरली, सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग रॉन्ग रिजल्ट्स। नाउ इनफ्लेक्सिबल, सिंस क्वेश्चंस कैन नॉट बी अल्टर्ड अकॉर्डिंग टू द सुटेबिलिटी ऑफ द इन्फॉर्मेंट्स, दिस मेथड इज नॉट फ्लेक्सिबल। ये मेथड फ्लेक्सिबल नहीं है। दिस हिंडर्स गेटिंग द एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन, सिंस इट इज नॉट फ्लेक्सिबल टू एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन, ये करेक्शन में दिक्कत होगी। सिंस क्वेश्चन कनेक्ट कैन नॉट बी अल्टर्ड, कैन नॉट बी अल्टर्ड, उसको बदला नहीं जा सकता। अकॉर्डिंग टू द सुटेबिलिटी ऑफ द इन्फॉर्मेंट्स, इन्फॉर्मेंट्स की सुटेबिलिटी के अनुसार इसके इसको बदला नहीं जा सकता क्वेश्चनर को। ओके, सो दिस मेथड इज नॉट फ्लेक्सिबल, में फ्लेक्सिबिलिटी का अभाव है। एंड देन दिस हिंडर्स गेटिंग एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन। ओके, सो इन दिस टॉपिक वी हैव स्टडीड सो फार, हमने इसकी मीनिंग को समझा। इसके बाद हमने ये देखा कि इन्फॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनर्स एंड शेड्यूल्स, इसके दो कंपोनेंट आते हैं, टू वेज ऑफ कलेक्टिंग डेटा ऑन द बेसिस ऑफ क्वेश्चनर, मेलिंग मेथड एंड इन्यूमरेटर्स मेथड। मेलिंग मेथड में हमने उसके मीनिंग को देखा कि क्वेश्चन प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्टडी इज मेल टू द इन्फॉर्मेंट्स विद द रिक्वेस्ट टू आंसर एंड रिटर्न देम विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम पीरियड। ओके, इसके सुटेबिलिटी क्या थी, एरिया अंडर इन्वेस्टिगेशन वेरी वाइड, इन्फॉर्मेंट्स आर लिटरेट एंड एजुकेटेड, वेन ओरिजिनल फर्स्ट हैंड डेटा आर रिक्वायर्ड, वेन इट इज़ कंपल्सरी बाई लॉ
to fill questionnaire. And then again we saw the merits: economical, wide coverage, original and reliable, free from bias. And demerits mean lack of interest, limited use, lack of accuracy, and it is inflexible. It ये हमारा इसका demerit है. So with this we are going to wind up this point number 4, that is information through questionnaire and schedules in collecting the data. Thank you very much for watching.